Hello students and welcome back to bankexamsfd.com my name is Ramandeep Singh and today we are going to do union budget 2023 quiz so students yesterday we provided the union budget 2023 analysis pura analysis humne kara tha. and today we are going to do mcqs based on the uh, yesterday's lecture so if you have not gone through the union budget ka analysis especially uh, wo jo, uh, class kara tha humne, uh, we made that we did that वेल फोकसिंग ऑन कंपेरेटिव एग्जाम्स जो कम्पेरेटिव uh, एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस में रख के हमने वो लेक्चर किया था राइट इवन टूडेज क्लास वी आर फोकसिंग ऑन कंपेरेटिव एग्जाम्स स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स ठीक है एंड टूडे द एम सी क्यूज अराउंड थर्टी एम सी क्यूज आर देयर वेरी इंपॉर्टेंट इससे आगे

So, this is my WhatsApp number where you can ask your doubts. Ask your doubts anytime. Link to join is available in the description. And let's start the session with MCQs. As per union budget, what is the agriculture, agricultural credit target? So agriculture ko, uh, agricultural credit ka target is 20 lakh crore. So 20 lakh crore, which is specifically targeted at animal husbandry, dairy, and fishery sector. सो वाइल्ड डूइंग द क्वेश्चन ऑल्सो फोकस ऑन द एक्सप्लेशंस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी विच इज ऑल्सो हाईली रेलिवेंट ओके सो ट्वेंटी लाख रुपीज ट्वेंटी लाख करोर सो प्लीज रिमेंबर रुपीज़ है यहाँ पे ठीक है रुपीज ट्वेंटी लाख करोर इज द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट विच इज़ फोकसिंग ऑन एनिमल हजबेंड्री डेयरी एंड फिशरीज ठीक है सो एज़ पर यूनियन बजट 2023 ट्वेंटी थ्री बजट एलोकेशन टू व्हाट वट इज़ अ बजट एलोकेशन टूवर्ड्स हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर पर बजट एलोकेशन कितना है एडुकेशन पर कितना है रेलवेज को कितना आउटले है कैपिटल आउटले कितना है जल जीवन मिशन पर आउटले कितना है सो so बेसिकली ये सारा आपको याद होना चाहिए ओके okay? तो यहाँ पर कितना आउटले है

कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट आउटलेक करना है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट uh, ईयर में उसका बजट रखा रखा है टेन लाख करोड़ सो हाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बूस्ट द ओवरऑल इकॉनमी इट हैज अ मल्टीप्लायर इन्फैक्ट इन्वेस्टमेंट जब होती है इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर uh, पे होती है दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट सो विच गिव एन एम्पेटस टू द होल इकॉनमी होल इकॉनमी का जो कह लीजिए वॉल्यूम बढ़ जाता है सो थर्टी थ्री पॉइंट फोर परसेंट इंक्रीज हुआ है टू टेन लाख करोड़ रुपीज सो विच इज इंपॉर्टेंट फिफ्टी ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को रेलवेज का कैपिटल आउटले है टू पॉइंट फोर लाख करोर दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अगला क्वेश्चन वही है वट इज द बजट एलोकेशन टूवर्ड्स रेलवेज तो वो है टू पॉइंट फोर लाख करोर ओके सो वट इज द फुलॉर्म ऑफ पी वी टी जी सो बहुत सारे आपको टर्म्स मिलेंगे जिसमें फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम्स में बहुत आते हैं ये कि फुल फॉर्म पी वी टी जी की क्या है गोवर्धन आएगा उसकी फुल फॉर्म क्या है सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म्स एग्जाम में आ सकती है श्री का फुल फॉर्म है यूनियन बजट में आया था शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन सो so, यहां पे एज पर यूनियन बजट द फुल फॉर्म ऑफ श्री शेयर ऑफ इंक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन आई गेस या वट इज द फुल फॉर्म ऑफ़ एफ दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड सो यू आई डी एफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है दैट इज प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमेलेशन ऑफ मदर अर्थ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेरलाइन हैबिटाट एंड टैंजल इनकम्स ओके शोरलाइन है शोरलाइन है गोबर्धन गोबर्धन का था गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस धन फुल फॉर्म्स प्लीज याद रखें आप सो एज पर द यूनियन बजट 2023 द बजट एलोकेशन टूवर्ड्स क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई सो एम एस एम ईज का जो फंड बनाया गया था uh, ताकि जो एम एस एम ईज है फॉर एमएसएमई कोलेटरल फ्री लोन दिए जा सकें द एमएसएमई कैन अवेल कोलेटरल फ्री लोन्स सो नाइन थाउजेंड करोड़ हैज बिन एलोकेटेड एंड नाउ अप टू टू लाख करोड़ का एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे ठीक है इतनी गारंटी दी जाएगी नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज एलोकेट करे गए हैं सो इन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड महिला सम्मान बचत पत्र सो प्लीज़ रिमेंबर इट्स इम्पॉर्टेंट महिला सम्मान बचत पत्र वट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट अंडर दिस स्कीम द मैक्सिमम डिपॉजिट अंडर द स्कीम इज़ टू लाख रुपीज़ ये गलत टिक हो गया है आई एम सॉरी इट इज़ टू लाख रुपीज़ टू लाख रुपीज़ सो टू लाख रुपीज़ फॉर टू ईयर पीरियड ठीक है टू लाख का लिमिट है इट्स अ वन टाइम न्यू स्मॉल मोस्ट प्रॉब्लम ए इज नॉट द आंसर फाइव लैख टू लैख इज अंसर द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन जब रिटायर होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज So, for that, there is a maximum deposit limit, tax-free uh, limit for senior citizen savings scheme. The limit has been extended to 30 lakhs. It used to be 15 lakhs, but now it has been increased to 30 lakhs. So senior citizen savings schemes ka limit bada ke 30 lakhs. Kar gaya hai. And as per union budget 2023, what is the target fiscal deficit level? टारगेट कितना है इट्स 4.5 पॉइंट फाइव दिसर इट इज फाइव पॉइंट नाइन बट टारगेट हैज बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम सो इसको याद रखें फोर पॉइंट फाइव इज अ टारगेट फिजिकल डेफिसिट लेवल फाइव पॉइंट नाइन शायद है दिस इज एक्चुअल लेवल. ओके वट इज द सरचार्ज रेट ऑन द इनकम अबव फाइव करोर अंडर द न्यू रिजीम न्यू रिजीम में सर चार्ज का लिमिट इट यूज टू बी थर्टी सेवन सेवन परसेंट बट नाउ इट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट सो ट्वेंटी फाइव परसेंट इज अ सर चार्ज द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन सो स्टूडेंट सैलरीड परसन जो सैलरी लेते हैं पर, आ, लोग उनको ज्यादा टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती दैट इज वाई द मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड डिडक्शन सो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट जो है इट इज अवेलेबल टू सैलरीड क्लास एंड नाउ इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू पेंशनर्स फिफ्टी थाउजेंड का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एंड इट हैज बिन एक्सटेंडेड टू अंडर द न्यू न्यू टैक्स रिजीम तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इट वॉज अवेलेबल बट नाउ इट इट इज अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट्स ऑफ वेरियस टैक्स डिडक्शन वर नॉट अवेलेबल बट The standard deduction ka benefit is available under the new tax regime. Okay? What is the tax exemption limit on leave in cashment at the time of retirement for non-government salaried employed? So government employees ko to benefit milta hitha leave in cashment ka at the time of retirement. But 20 lakh ka limit hai for non-government salaried employees. Okay. Uh, it's <coughs> it's 25 lakhs. It's not 20 lakhs, it's 25 lakhs. 25 lakhs, please remember that. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड वट इज द न्यू एनुअल रेवेन्यू लिमिट टू अवेल बेनिफिट ऑफ प्रिजिव प्रव टीम इफ नाइंटी फाइव परसेंट एटलीस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ योर रिसीट्स आर डिजिटल अगर आपकी पचानवे परसेंट रिसीट डिजिटल फॉर्मेट से आई है वेदर यू आई यू पी आई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देन यू कैन अवेल द प्रिमटिव टैक्सेशन स्कीम वेयर इन यूल पे द टैक्स एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ऑफ योर सेल Six percent of your sales, uh, six percent of your sale for all the digital uh, receipts, right? But note that point. This limit, uh, the limit, uh, the sale ka limit was two crore. It has been increased to three crores. Okay. So the income ka limit, uh, Union Minister Farnas on Wednesday proposed raising the income limit. the income ka limit tha for availing the presumptive uh, six percent of प्रॉफिट ओके सिक्स परसेंट ऑफ नॉट सेल सिक्स परसेंट ऑफ सेल प्रॉफिट इतना टैक्स आपको देना पड़ता है फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शंस सो पहले दो करोड़ का लिमिट था अगर आपका दो करोड़ तक का इनकम है देन यू कैन बेसिकली टेक द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम बट नाउ इट हैज बिन इंक्रीज टू थ्री करोड़ फॉर सर्टन प्रोफेशन इट हैजिन इंक्रीज फ्राम फिफ्टी लैक्स टू सेवेंटी फाइव लैक्स so the new limit is 3 crore it is not 2 crore anymore it is 3 crores okay what is the per member maximum cash deposit limit for pacs and pecar PC, uh, dbs <coughs> agriculture credit societies uh, the per member limit is 2 lakh rupees the per member limit is 2 lakh rupees एंड वट इज द हायर लिमिट फॉर टी डी एस ऑन कैश विड्रॉल फॉर कॉपरेटिव सोसाइटी जो कैश विड्रॉल है उस पर टी डी एस कटता है सो थ्री करोर इज द न्यू लिमिट फॉर दैट ओके सो वट इज द लास्ट डेट ऑफ इनकार स्टार्टअप टू अवेल द इनकम टैक्स बेनिफिट सो स्टार्टअप्स को कुछ एक बेनिफिट दिए थे गवर्नमेंट ने द फर्स्ट वन व एग्जाम्पल कोई पर्सन कंपनी जो ए पर्सन है अपनी स्टार्टअप को एक्सवाइजेड uh, स्टार्टअप को बेच देता है बी को एंड देर आर अलॉट ऑफ लॉसेज लेट्स ए फाइव थाउजेंड करोर का लॉस है सो इफ कंपनी बी इज बाइंग दैट स्टार्टअप इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टेन ईयर्स दिस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टेन ईयर्स पहले सात साल तक था, तक था अभी दस साल तक आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दिस कट ऑफ डेट वॉज थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बट नाउ दिस एक्सटेंडेड टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसिस है इट वॉज सेयर्स पहले सात साल तक आप अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अब आप अपने लॉसेज को दस साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो as per the union budget 2023 what is the budget allocation towards development of pharmaceutical industries it is 1250 crore 1250 crore jal jeevan mission 70000 crore okay so please remember that These numbers are uh, development of pharmaceutical industries 1250 jal jeevan mission 70000 crore uh, budget allocation towards eklavya model residential schools 5943 crore 5,943 करोड़ रुपीज का बजट है बजट एलोकेशन टू वर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़ इज अ बजट एलोकेशन टूवर्ड्स द प्रधानमंत्री आवास योजना द बजट एलोकेशन टू वर्ड्स फास्टर डेवलपमेंट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इज द फेम स्कीम फेम स्कीम पे कितना बजट एलोकेशन करा गया है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू करोर इट यूज टू बी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट करोर्स but now it is 5172 crores the budget allocation towards northeast special infrastructure development the budget allocation is 2491 crore please remember the data whatever i am teaching today is really really important for your exam instead of reading a bulky uh, you know 50 60 pages of notes this much is sufficient for your exam i have covered the entire thing Except the tax labs, which I hope you remember. the uh, budget class already. Just go through the 30-minute budget class followed by this quiz, and that's sufficient. Okay. As per the union budget 2023, what is the income tax rebate under the new tax regime? New tax regime ke under Kitina rebate Milta. Hai? It used to be 5 lakhs, but now it is 7 lakhs. Okay. Pele 5 lakhs, sir. Now it is 7 lakhs. This is really, really important for your exam. Now tax labs are there. Uh, so, uh, the rebate is a different thing. Okay, 7 lakh rebate. Hai, but 0 to 3, nil. 3 to 6, 5%. 6 to 9, 10%. 9 to 12, 15%. 12 to 15, uh, 20%. And 15 lakhs above, 30% tax rate. Hai under new tax regime. <clears throat> Most of the taxpayers are going to uh, adopt new tax regime itself. Anyways, but right now, 7 lakh ka rebate. Uh, rebate hai under the new, uh, new tax regime, and this is the exemption limit tax rate case labs. Hai. Uh, let me just hide myself so that you can read it. this is the new tax labs. take the screenshot. or anyways, you can download the notes from bankexamstudy.com. anyways, i'll share the notes and i'll pin uh, these notes in the description. my description is link dal dunga, where you can download the free notes. let's move forward. Student Central Bank of India 2023 Scale 3, Scale 4 course is available on bankexamstudy.com. We have already started the course. We are providing the complete syllabus coverage. We are providing video classes for all the topics. We are covering the entire syllabus with the help of video classes. Well, research study material is available on bankexamstudy.com. We are providing the complete notes. We are providing the complete test series, quizzes and the entire information is available in the description just click on the links join the course in case there is any doubt here is my whatsapp number where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts right list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams i am really really happy for them if there is any doubt in your mind please 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 ask your doubts and we are going to answer your doubts and that's all for today students i hope you like the today's session if there is any other doubt ask you a question and i'm going to answer you so subscribe the channel and like this video and that's actually all for today students thank you and have a very nice day bye bye